तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पशुओं की बोलियों के बारे में कि पशु जब बोलते हैं तो उनकी आवाज़ कैसी होती है और उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। इस चीज़ को जानेंगे तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए सीधे वीडियो को शुरू कर देते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें सबसे पहले नाम आता है क्रोकोडाइल का। स्पेलिंग होती है CROCODILE। क्रोकोडाइल का मतलब होता है मगरमच्छ। और ये घुरघुराना, यानी ये क्या कर रहे थे, घुराते हैं। स्पेलिंग घुरघुराने को इंग्लिश में कहते हैं ग्रंट, और इस ग्रंट की स्पेलिंग होती है GRUNT। उसके बाद बियर, बियर का मतलब होता है भालू, जिसको कि हम हिंदी में रीछ भी कहते हैं। रीछ क्या करते हैं, ये भी घुराते हैं, ठीक है। मगरमच्छ घुरघुराना और रीछ भालू क्या करते हैं, घुराते हैं। इनको इंग्लिश में ग्राउल कहते हैं और स्पेलिंग होती है ग्राउल की GROWL। बियर अगला, भी थोड़ी देर पहले इसके बारे में बात हुई है, ठीक है। इसी को दो बार लिख दिया गया है। चलिए अगली बार इसको काट देते हैं और फिर अगले तरफ पढ़ते हैं। वही बियर पिछला वाला है जो, ठीक है, वही ग्राउल और वही गुराना। बफेलो, BUFFALO, बफेलो का मतलब होता है भैंस। और ये स्टटर कहते हैं, स्टटर मतलब डकराना, ठीक है। स्पेलिंग होती है STUTTER। बुल मतलब होता है सांड, और सांड क्या आते हैं, ये डकारते हैं, तो इनको डकारना कहते हैं। बुल की स्पेलिंग होती है BULL। बुल मतलब होता है बैल, ठीक है। बुल मतलब सांड भी होता है, ठीक है। और बुल, बैल को इंग्लिश में ऑक्स भी कहते हैं, ठीक है। और ब्लैच मतलब जो डकारना होता है, इसकी स्पेलिंग होती है BELCH। बेल्च मतलब डकारना। अगला सांड, सांड गरजते हैं, ठीक है, जिसको हाउलिंग कहते हैं, HOWLING। तो अब यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंस आता है कि यहाँ पे जो बुल लिखा गया है इसको हम ऑक्स कर देते हैं। ऑक्स का मतलब बैल, जो कि बेल्च डकारते हैं, BELCH। और BULL, बुल मतलब सांड, जो कि हाउलिंग करते हैं, जिसको गरजना कहते हैं हिंदी में, ठीक है, HOWLING। उसके बाद आता है कॉफ, कॉफ मतलब बछड़ा होता है, CALF। वो बबल करते हैं, यानी मिमियाते हैं। बबल की स्पेलिंग होती है BABLE। कैमल मतलब ऊँट, CAML, ठीक है। और वो बलबलाते हैं, ऊँट क्या करते हैं, बलबलाते हैं। बॉग की स्पेलिंग होती है BAULK। आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद कैट, CAT, कैट मतलब बिल्ली, और ये म्यू, यानी म्याऊं म्याऊं करती है। म्यू की स्पेलिंग होती है MEOW, ठीक है। म्याऊ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। कैटल मतलब होता है मवेशी, CATTLE, कैटल। और ये रामना, मवेशी का मतलब जिन पशुओं को हम पाल लेते हैं वो मवेशी हो जाते हैं, ठीक है। वो वाइन करते हैं, स्पेलिंग होती है WHINE। काओ मतलब गाय, गाय भी रामती है, ठीक है, WHINE। DOG, डॉग मतलब होता है कुत्ता, और कुत्ता भौंकते हैं, जिसको इंग्लिश में बार्क कहते हैं, BARK, बार्क मतलब भौंकना। गधा, DONKEY, डंकी मतलब गधा, और ये रेंगते हैं, ठीक है, रेंगते हैं, ठीक है, जो ढेंचू ढेंचू करते हैं उसको क्रॉलिंग करते हैं, स्पेलिंग होती है CRAWLING, क्रॉलिंग। एलिफेंट की अगर हम बात करते हैं तो हाथी हमेशा चिघाड़ती है, और एलिफेंट की स्पेलिंग आपको पता है ELEPHANT, एलिफेंट मतलब हाथी। और ट्रम्पेट मतलब होता है चिघाड़ना, ट्रम्पेट की स्पेलिंग होती है TRUMPET, ठीक है, इसी को दो बार लिख दिया गया है। फ्रॉग, FROG, फ्रॉग मतलब मेढक, ये टरटराते हैं और इनको टरटराना कहते हैं, स्पेलिंग होती है TARTARANA। हिप्पोपोटामस मतलब होता है दरियाई घोड़ा, ठीक है, ये हिप्पोपोटामस ये है, ये विस्पर करते हैं, ठीक है। गेंडा को क्या कहते हैं, कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। हिप्पोपोटामस मतलब दरियाई घोड़ा, और ये रंबल, गड़गड़ाते हैं, ठीक है, RUMBLE। और गेंडे को स्पेलिंग में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसके लिए कमेंट बॉक्स में थोड़ा कमेंट कीजिए। इसको कहते हैं डायनोसोरस, ठीक है ना। स्पेलिंग लिख देता हूँ यहाँ पे, हिप्पोपोटामस नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा
RHINOCEROS, ठीक है, रेनोसोरस, RHINOCEROS, रेनोसोरस मतलब होता है गेंडा। ये विस्पर यानी फुनफुनाना कहते हैं, फुनफुनाना, स्पेलिंग WHISPER। हॉर्स मतलब होता है घोड़ा, HORSE, और ये हिनहिनाते हैं जिसको स्नॉर्ट कहते हैं, स्पेलिंग होती है SNORT। उसके बाद जैकल, जैकल मतलब होता है गिदड़, गिदड़ जो रात में बोलते हैं, JACKAL, गिदड़, जैकल मतलब CR भी होते हैं, इसको वीपिंग कहते हैं, WEEPING। उसके बाद लायन, लायन रोअर करता है, दहाड़ता है, लायन मतलब शेर, LION, लायन, और रोअर मतलब दहाड़ना, ROAR। अगला वर्ड है अपने पास रैट का, रैट मतलब चूहा, ठीक है, या फिर इसको माइस भी कहते हैं, माउस, ठीक है, MOUSE या फिर RAT, ठीक है, माइस, माइस मतलब चूहा, और CREAK, क्रिक मतलब होता है चरचराहट करना, स्पेलिंग होती है CREAK, क्रिक। मंकी, मंकी मतलब बंदर, और ये चिल्लाते हैं, साउट, SHOUT, मंकी की स्पेलिंग MONKEY। पिग्स मतलब सुअर, PIGS, और ये टू साउट करते हैं यानी चिचियाना कहते हैं इसको, स्पेलिंग होती है TOSHOUT। रैबिट मतलब खरगोश, REBBIT, रैबिट, और ये पीप करते हैं यानी कि किकियाना, स्पेलिंग होती है पीप की, PEEP। सी गॉट मतलब बकरी, बकरी में मियाती है, और इसको बबल कहते हैं, BABLE। स्नैक मतलब नाग, और ये फुफकारते हैं जिसको अंग्रेजी में हिस कहते हैं, HISS, TIGER। टाइगर मतलब बाघ, और बाघ भी शेर की तरह दहाड़ते हैं जिसको अंग्रेजी में रोअर कहते हैं, ROAR, ठीक है। बाघ गुर्राते भी हैं तो इसको ग्राउल भी कहते हैं, ठीक है, TIGER। टाइगर मतलब चीता, ठीक है, ये गुर्राते हैं, ग्राउल, GROWL। वुल्फ मतलब भेड़िया, और ये स्क्रीम करते हैं जिसको चीखना कहते हैं, SCREAM, वुल्फ मतलब भेड़िया। अब अगले आते हैं हम पक्षियों के नाम के बारे में, तो पक्षियों के नाम को हम अगले वीडियो में देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड थैंक यू, एंजॉय योरसेल्फ।